तो चलिए बाजार जाने के लिए हम भी तैयार हो जाते हैं और अपने लिए एक प्यारा सा शॉपिंग बैग तैयार करते हैं। शॉपिंग बैग बनाने के लिए जो भी कपड़ा आप चूज़ करिएगा, ध्यान रखिए वो कपड़ा थोड़ा सा मोटा हो, और उसके बाद हम उसमें मेजरमेंट लग करके मार्क लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपने बैग के लिए 15 इंच लंबाई और 32 इंच चौड़ाई रखी है, और सेम ही फैब्रिक का मैंने यहाँ पे लाइनिंग दिया है अपने बैग में। आप चाहें तो किसी दूसरे कपड़े का भी अस्तर आप लगा सकते हैं। मेरे पास कपड़ा ज़्यादा था इसलिए मैंने सेम फैब्रिक का लाइनिंग दिया है। और कटिंग करने के बाद देखिए, यहाँ मैंने अपने अस्तर और कपड़े दोनों के कटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पे ऊपरी हिस्सा छोड़ के आपको दोनों तरफ लंबाई में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने बैग को सीधा करेंगे। दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है। सीधा करने के बाद देखिए कि जो भी हमारा बैग है उसके ऊपरी हिस्सा खुला है अभी, तो उस हिस्से को अब हमें फोल्ड करना है। यहाँ पे हमारे बैग का बेल्ट जुड़ेगा, तो इस हिस्से को सिलते वक्त हमें ध्यान देना है, जब भी हम ये हिस्सा सिलेंगे तो कम से कम इसकी फोल्ड जो हम हिस्सा कर रहे हैं वो 1 इंच चौड़ा हो, और 3 फोल्ड में कम से कम वहाँ पे फोल्ड हो, ताकि हमारे यहाँ ये ऊपरी हिस्सा थोड़ा मजबूत होना ज़रूरी होता है बेल्ट, ताकि मजबूती से होल्ड कर सके बैग को। फिर यहाँ पे हम अपनी सिलाई शुरू कर देते हैं। सिलाई करते वक्त ध्यान रखिएगा सिलाई थोड़ा सीधे जानी चाहिए, क्योंकि ये हिस्सा हमारा बाहर से दिखता है। अब हमें जहाँ पे अपना बेल्ट लगाना है वो एरिया मार्क कर लेते हैं। हमने दोनों साइड से अपने बैग को फोल्ड कर लिया, और देखिए इसका बैग का हमने सेंटर निकाल लिया। सेंटर पे अब हम दोनों साइड चौक से मार्क कर लेते हैं। मार्क करने की रीज़न यही है क्योंकि अगर हम मार्क करके यहाँ पे रखेंगे तो जो भी हमारा बेल्ट लगेगा वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे लगेगा, और वो फिर हमें खोलना नहीं पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि मुझसे तो बेल्ट कभी एक दो बार गलत जगह पे लग गया और फिर खोलने में उसको बहुत परेशानी हुई थी, इसलिए तब से मैं मार्क करके ही बेल्ट पे यहाँ बेल्ट लगाती हूँ। देखिए 3 इंच मैंने राइट साइड और 3 इंच मैंने लेफ्ट साइड दोनों साइड पे मार्क कर लिया है। और मैंने दोनों साइड मार्क करने के बाद जितनी मेरी बेल्ट की चौड़ाई होगी उसको भी मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है कि मुझे इसी प्लेस पे बेल्ट को प्लेस करना है। अब उसके बाद मैंने सेम फैब्रिक का बेल्ट लगाया है। बेल्ट बनाने के लिए मैं 5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और उसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है, 2 साइड अंदर की तरफ करके, और फिर फोल्ड कर लिया है और सिलाई लगा ली है। वैसे तो मार्केट में भी बेल्ट अवेलेबल हैं, आप चाहें तो अपनी मर्जी से मार्केट वाला बेल्ट भी अपने शॉपिंग बैग में लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी सिलाई से थोड़ा ज़्यादा डिज़ाइन देने के लिए, एक लुक देने के लिए थोड़ा ज़्यादा कपड़ा बेल्ट को नीचे छोड़ के तब प्लेस किया है। मुझे ऐसे ही लगाने का मन हुआ था, आप चाहें कैसे भी लगा सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। और बेल्ट का सिलना शुरू करते हैं। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कम से कम आप 3 या 4 बार सिलाई लगाएं, और जो सिलाई लगाएं वो मजबूती इसे देगी। और यहाँ पे ध्यान रखिए जिगजैग सिलाई लगाएंगे तो सबसे बेहतर होगी, क्योंकि जिगजैग सिलाई से मजबूती बनी रहती है बेल्ट की। उसके बाद आप अपने बेस की तरफ आ जाते हैं बैग के, तो बेस पे 2 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई मैंने मार्क करके उसको ध्यान से काटा है। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि कटिंग करते वक्त क्या होता है, बेस की चौड़ाई लंबाई काटते वक्त यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा भी कट सकता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा प्रॉपर उसी प्लेस पे काटिएगा जहाँ पे हमने मार्क किया है। अब कपड़ा कटने के बाद अब हम अपने बैग को उठाएंगे, और जहाँ पे हमारी सिलाई लगी है चौड़ाई दोनों तरफ जो कोना आता है उस कोने को पकड़ के हम ऐसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई को बीचों बीच, जो देखिए हमारी सिलाई थी यहाँ पे बीच में करते उसे यहाँ पे अब हम अपने सिलाई बैग में सिलाई लगा देंगे। कम से कम 2 बार यहाँ सिलाई लगाइएगा जिससे हमारा यहाँ पे मजबूती बनेगा, क्योंकि ये बेस है। बैग बनाते वक्त तो आपको सिलाई लगाने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक सिलाई में कहीं भी चांसेस रहते हैं
फट जाए थैला। ये देखिए हमारा प्यारा सा शॉपिंग बैग तैयार हो गया है। आप चाहें अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कैसे भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने दो तीन तरह के पहले ही बैग बनाए थे जो कि आपको अभी दिखेंगे। देख के बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा।